श्रोताओं, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, अब अपना प्यारा भारत वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बन चुका है। इस स्थान पर पहले जापान था, जापान को हमने पीछे कर दिया है। अभी ठीक 3 महीने पहले ही एक रिपोर्ट आई थी, 2022-23 में हमने 4.4 मिलियन गाड़ियों को बेचा था और इसी के साथ हमने जापान को पीछे किया था और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन गए थे। और अब एक और सेक्टर में हमने जापान को पीछे कर दिया है। हम दुनिया में वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेट करने वाले कंट्री बन चुके हैं। इस मामले में भी हमने जापान को पीछे किया है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में कि हमने इसको कैसे किया, आखिर हम हर साल कितने गीगावाट के सोलर पावर को जनरेट कर रहे हैं, 2014 से पहले हम कितने सोलर पावर को जनरेट करते थे, आज से 5-6 साल पहले हमारा कौन सा रैंक था, हमसे आगे जो भी कंट्री है उनको पीछे करने के लिए भारत सरकार कैसे तैयारी कर रही है, कब तक और कैसे हम उन कंट्रियों को भी पीछे करेंगे, चलिए समझते हैं पूरा अपडेट क्या है। स्वागत है आपका वीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में, मैं विकास। दोस्तों, सोलर पावर जनरेट करने के मामले में चाइना नंबर 1 पर है, अमेरिका दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर जापान था, लेकिन अब अपना प्यारा भारत इस नंबर पर आ चुका है। द प्रिंट की आप ये आर्टिकल देख पाओगे, इंडियाज बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर ओवरटेक जापान। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने वाला चीज ये है कि हम लोग सोलर पावर के जनरेटर के मामले में दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बने हैं, ना कि सोलर पावर कैपेसिटी की। सोलर पावर कैपेसिटी अलग है, उसमें हम किसी कंट्री से आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं, यहाँ पर उसकी डाटा की नहीं हो रही है। हर साल कौन सा कंट्री सोलर पावर से कितना एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, उस मामले में हम लोग जापान को पीछे छोड़ चुके हैं और तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। ये हमारे लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि जब वर्तमान गवर्नमेंट 2014 में आई थी, तो गवर्नमेंट के आने के बाद 2015 में सोलर पावर जनरेटर के मामले में हम लोग 9 नंबर पर थे, यानी कि हम लोग टॉप 9 में थे और इस वाले रिपोर्ट के आने के बाद अब हम लोग टॉप 3 में आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग 9 साल में 9 नंबर से 3 नंबर पर आ गए। केवल 2023 में हम लोगों ने 18+ टेरावाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया था, यानी कि 18,000 गीगावाट। ये सब हुआ कैसे? क्योंकि भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है, हमारा एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोग फॉसिल फ्यूल की ओर डिपेंड नहीं हो रहे हैं, बल्कि फॉसिल फ्यूल से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भाग रहे हैं। और इस मामले में हम लोग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंट्री बन चुके हैं, जबकि हम डेवलप कंट्री भी नहीं है, हम एक डेवलपिंग कंट्री है। और जापान, चाइना, अमेरिका, ये लोग डेवलप कंट्री हैं, तो आने वाले टाइम में हम लोग इनको पीछे भी छोड़ेंगे और डेवलप कंट्री भी बनेंगे। डेवलप कंट्री का मतलब क्या? डेवलप कंट्री कौन है? उसका एक क्राइटेरिया होता है कि किसी देश के पास ये चीज है तो वो एक डेवलप कंट्री है। तो जो भी जापान, चाइना, अमेरिका, जो भी डेवलप कंट्री है, वो इस तरह के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। तो अगर हम इन्हीं को पीछे कर देंगे तो हम भी इस क्राइटेरिया के अंदर आ गए और हम भी डेवलप बन जाएंगे। हमने चाइना को रोड नेटवर्क के मामले में पीछे छोड़ दिया, अब अमेरिका को पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमने जापान को इकोनॉमी के मामले में पीछे छोड़ा, अब हम जर्मनी को पीछे करने की तैयारी कर रहे हैं। ना, पहले पार्टिकल इस रिपोर्ट पर बात करते हैं। गाइस, ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इसे भारत के द्वारा जारी नहीं किया गया है, पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर है, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और वो लोग बोल रहे हैं कि भारत ने ओवरटेक कर दिया है जापान को और वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बन गया है 2023 में ही। और इसकी रिपोर्ट आ रही है अभी, जब ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 को लॉन्च किया गया है। और आप इस वाले रिपोर्ट को छोटा मोटा मत समझिएगा, ये वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट है, न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की जितनी भी कंट्री है वो इस रिपोर्ट को फॉलो करेगी। आप इसके वेबसाइट पर जाकर के चेक भी कर सकते हो। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 215 कंट्री के हिस्टोरिक डाटा को पब्लिश किया है। जब आप रिपोर्ट को देखिएगा तो कितना आपको खुशी मिलेगा कि 215 कंट्री के लिस्ट में हम लोग तीसरे नंबर पर हैं, टॉप 3 के अंदर हैं। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा आप उस बच्चे से जाकर के पूछिए जिसके क्लास में 215 स्टूडेंट हो, और उन 215 स्टूडेंट को हराते हुए जब वो टॉप 3 में आता है तो उसकी क्या खुशी होगी, उस खुशी को वही बच्चा बता सकता है। ठीक वैसा ही भारत के साथ हुआ है। जो लोग भारत से प्यार करते हैं, भारत को डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं, वो लोग बताएंगे कि ये हमारे लिए कितनी अच्छी न्यूज है। देखिए गाइस, कोई भी कंट्री एक बार में डेवलप नहीं होता है, छोटी छोटी चीजों में महारत हासिल करते करते वो एक दिन पूरी तरह से डेवलप कंट्री बन जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम हर सेक्टर में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम हर सेक्टर में चाइना, जापान, अमेरिका, इन सारे कंट्रियों से आगे निकल जाएंगे, तो हम न सिर्फ डेवलप बनेंगे बल्कि विश्व गुरु बनेंगे। जो कंट्री हर चीज में सबसे आगे होगा वही तो विश्व गुरु कहलाएगा। जनसंख्या के मामले में तो हम लोग आगे हैं ही, दुनिया में एक भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर इंडियन नहीं है। कहीं भी चले जाइए आपको एक न एक इंडियन व्यक्ति जरूर मिल जाएगा।
जैसा कि मैंने आपको बताया 2015 में जितना हम लोग सोलर पावर को जनरेट करते थे उससे हम लोग 17 गुना आगे निकल चुके हैं। जी हां गाइस, 17 टाइम्स। अगर इलेक्ट्रिसिटी शेयर की बात करें तो 2015 में पूरे भारत के इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में सोलर जनरेशन का योगदान 0.5% था, जो कि अब बढ़कर के 5.8% हो चुका है। यहाँ पर आप ये वाला डाटा देख पाओगे, 2010 से 2024 का डाटा है। 2015 के बाद से भारत इस क्षेत्र में लगातार छलांग मारते गया। 16, 17, 18, 19, 20 कहीं पर भी कमी नहीं हुई है। कोविड-19 में भी इसमें कमी नहीं आई थी। हम लगातार ग्रो करते चले गए हैं और 2024 में काफी आगे निकल चुके हैं। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि ऐसा हो कैसे रहा है, सरकार ने इसके लिए क्या किया और आगे सरकार क्या करने वाली है। गाइस, भारत में जो भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है उसमें हमारी गवर्नमेंट की कड़ी तपस्या होती है, एक हार्ड वर्क होता है, तब जाकर के इस तरह का वर्ल्ड फाड़ू रिजल्ट देखने को मिलता है। अब भारत छोटा मोटा काम करता ही नहीं है, जो करना है वर्ल्ड में नंबर वन करेंगे। टॉप थ्री से बाहर नहीं जाना है, टॉप थ्री में पहुंचेंगे, टॉप वन को टारगेट करेंगे। और ये मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मेरे पास लाखों एग्जांपल है। भारत को स्टेडियम बनाना था, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना दिया। भारत को स्टैचू बनाना था, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बना दिया। भारत को कश्मीर में सबसे ऊंचे स्थान पर रेलवे ब्रिज बनाना था, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बना दिया। भारत को ऑयल रिफाइनरी बनाना था, भारत ने जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी बना दिया। भारत को सोलर पार्क बनाना था, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में बना दिया। हजारों एग्जांपल है गाइस। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर ऊंचा टनल हमने बना डाला है। अब हम लोग जो भी कर रहे हैं, हमारा एक ही प्रयास है कि हम जो भी करें वर्ल्ड में नंबर वन करें। जब भारत को आगे लेकर कहीं जाना है तो फिर लोकल ट्रेन से क्यों चले, डायरेक्ट बुलेट ट्रेन। हाँ, जितना बड़ा टारगेट होगा उतना ज्यादा मेहनत करना होगा। अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम निकालना है तो यूपीएससी के जैसा स्टडी भी करना होगा, बिना मेहनत का तो नहीं होने वाला है। ठीक उसी तरह प्रेजेंट गवर्नमेंट की पूरी टीम मिलकर के काम कर रही है और पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। आप विदेश जाओ तब आपको पता चलेगा कि दुनिया इंडियन लोगों को किस नजर से देख रही है, क्या सम्मान मिल रहा है इंडियन को। ना ओवरऑल इस वाले रिपोर्ट का कंक्लूजन क्या है गाइस, इससे ये साफ क्लियर हो रहा है कि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी का दौर होगा और उस दौर में हमें एनर्जी के लिए किसी और देश पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अदरवाइज अभी हम लोग एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड है और जो भी फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम वगैरह है उनको हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि हमारे प्यारे भारत में जितना भी क्रूड ऑयल फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन होता है उसका 85% क्रूड ऑयल हम लोग दूसरे देशों से मंगवाते हैं, जिसके लिए हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल इन कंट्री को देना पड़ता है और हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है। अगर हम फॉसिल फ्यूल के जगह पर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं तो हम इन कंट्रियों से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर देंगे, क्रूड ऑयल का सारा झंझट खत्म हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी में एनर्जी प्राप्त करने का कई जरिया है, सोलर पैनल हो गया जिसमें हम लोग सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं, इसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट है जहाँ पर हम पानी से बिजली को बनाते हैं, इसके अलावा हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी काम कर रहे हैं, वो भी एक तरह का रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसके अलावा हम लोग विंड टरबाइन पर भी काम कर रहे हैं जिसमें हम लोग हवा से एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। आज के टाइम में जो भी गाड़ी वगैरह चल रहा है उसके लिए हमें डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग यातायात के साधन का इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा जिसमें डीजल और पेट्रोल का यूज नहीं होगा, तो हमारा डीजल पेट्रोल का खपत कम हो जाएगा। वैसे आप अपने प्यारे भारत के इस ग्रोथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या अपना प्यारा भारत सही दिशा में काम कर रहा है, क्या अगर हम ऐसे ही ग्रोथ करते रहें तो हम आने वाले 2047 तक एक डेवलप कंट्री बन पाएंगे, क्या सोचते हैं गाइस, आप इस चीज के बारे में कमेंट जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। और थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।